क्यान से कित था बेटे तू? क्यान थक गया चांस है कि ठीक है, 10% चांस है कि मम्मी का तो लेट हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, तो इस करके हमें मम्मी के करवाना है आज ना तो कल। वेलकम बैक टू राणा फैमिली व्लॉग। सुबह का टाइम हो गया, हम उठ के झाड़ू निकालते जा रहे दिमाग सीधा किचन में, और आज किचन में बनेंगे मटर मशरूम। और आज वाली मशरूम जो है मैंने छोटे स्पेस की काटी है, नहीं तो अदरवाइज बहुत बड़ी बड़ी मशरूम काटती थी। आज सोचा कि छोटी छोटी काट के देखती हूँ कैसे टेस्ट आता है, तो आज मैंने छोटी छोटी मशरूम काटी है। इधर मेरा हो रहा था रेडी, तो बात बता सकता है मैं सब्जी बना दूँ क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। और आज क्या कर दी हम दुखी, क्योंकि भाई जो सोए ना था रोए आज, तो ईद क्या से सोहा के आई हूँ, दूध दाध पिला के ये फटाफट सब्जी बना दूँ और फिर रोटी बना दूँ क्योंकि टाइम हो गया ज़्यादा ही 11:30। क्या हेलो बोलो बोलो कि गाइस अभी हम ऊपर आ चुके हैं और मोहित हो चुका है इतना बेशरम, ये अपने लिए हुक्का भर के रखता है ऊपर छत पे और ये हुक्का पीता, देखो बताने में कैसे तपट दिखा रहा है। और मम्मी भी आ गई है, इतना बेशरम है, मम्मी आ गई पीना स्टार्ट कर देता है है ना क्या जी? अरे क्यों जी बता बेटा पिया था चाचा हुक्का? भाई मारा हुक्का दरिया गांव में, मैं सोचू थी मैं इसकी थोड़ी सी सिकार ला दूं मम्मी के पिट्टे, पर मम्मी बोली डट जाने चाहिए झूठ बोल रहा है। और मेरी बेटी है ओए ओए, ओ मेरी बेटी है, गिर दिया क्या आज नीचे, वो जा लिया खटोले के नीचे भी डट जा तो आ जा उल्टा आ जा, चल आज तू खींचा लगा नीचे उमड़ गया नीचे मत जा डट जाने जा क्या जा, एक घोड़ा खा लिया रे, चल तू आज चल की जागा डट जा था एक मिनट ठीक है पकड़ लो जा एक पॉइंट का ठीक है क्या से कित था बेटे तू, चल आज की चल लगा पापा की वीडियो कॉल आ रही, पापा ने देखा है, चल आज तू ओ माटी खाने अब पा रहे कपड़े है आसान है, नींद सही आओगी बड़ा रख क्या रो एक दो घंटा क्या थक गया थक गया थक गया क्या से थक गया। आज मोहित ने बनाया स्पेशल हमारे लिए चिल्ला, अपने आप खुफिया कारीगरी कर रहा था, और ये बेलपुरी सेव भाजी के बेल भाजी के बनाया करो उसने, क्यों आ रहा मोहित यो पेट में जाए पीछे गया मम्मी की चाय बनाई उन्हें, अरे क्या सो गए ऊपर ताक है जब सो गया था, अरे घंटा मैं भी सो गई मम्मी भी सो गई, मैं गया था थोड़ा बाहर दो लिया और आते ही क्या सूट गया हैं, कैसे भाग रहा था छत पे भाई बता दे ये बंदे, हेलो 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 क्या से हेलो। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह का टाइम हो गया, हम उठ गए, क्या भी उठ गया और आज भी चल रही क्या सी मालेस है क्या कच्चे का डेबिट अपड़े अपड़े गुड मॉर्निंग, एक बार सबको माम माम करो, माम माम कर दे सबको, माम माम कर दो क्या माम माम कर दो सबको, कैसे करते हैं माम 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 कर आ रहा है ओड बड़ा भाई ओड बड़ा भाई कुड़वे नहीं तो बड़ा भाई, अरे क्या माम माम गए क्योंकि इसका पूरा प्रदान है मालस में, मम्मी की मालस उठा ला रही की पैरा की, और मम्मी बोली कि भाई यू मतलब कि मम्मी तो हम दवाई दे ना तो कल तो भाई मम्मी ने गुस्से गुस्से में दवाई भी फेंक के मारी सब क्यों भगा दिया, बोली ना तो ऑपरेशन कराऊ ना कि और क्या थी मम्मी इस कर कल रात ना हम लोग भी सूट ना कर पाए क्योंकि मम्मी गुस्सा ज्यादा कर गई थी है कुछ ना होता हो पहले लो गई ऑपरेशन होया बस मम्मी तो एक बात पकड़ एक पहले लो गई कि ऑपरेशन होया करती वे भी तो ठीक हो जाया करती अल्ट्रासाउंड होया करते की होया करता कि मैं नहीं मम्मी तो एक यह बात पकड़ रही है बस उसके आगे न्यू कौन देखती मम्मी एक मम्मी का दिक्कत के चल रही है बस न्यू का देख पहले की लुगाया के ऑपरेशन आया करते हैं मम्मी फिर क्या होया करता कि तो ऑपरेशन होते कि डॉक्टर के खान खाई का डरवा दे दे
तो भाई सुबह सुबह मम्मी ये किया है बात पकड़ी कल शाम की, ये कुछ ना हो कुछ ना हो, पर पता ना चला रहा भाई बीमारी का क्यों जगह ना, क्योंकि डॉक्टर ने कहते खुली कह दी 90% तो चांस है कि ठीक है और 10% चांस है कि उम्मीद है ब्लड कैंसर भी हो सका है। डॉक्टर ने कहते खुली कह दी कि करवाना है तो ऑपरेशन जल्दी कराओ नहीं तो लेट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो इस करके हमें मम्मी के जल्दी तो जल्दी ऑपरेशन करवाने की सोच रही है, पर मम्मी बात टाल है अकना नहीं करवाऊँ तो भी इस करके हम तो इतनी जल्दी कर रहे हैं और मम्मी लेट करती जा है अम्मी करवाओ और क्या करना है करवाना है आज ना तो कल या बात तो कहना दी मम्मी ने कहा मैं देसी दवाई लेकर देख लूं, और भाई सबकी कमेंट कहिया की सबकी नहीं कहिया की कमेंट में थी कि देसी दवाई दे 3 दिन की उस तो ठीक हो जाएगा, तो भाई हम मम्मी तो बार दवाई देने की कोशिश कर रहे थे, पहले हमने वाई करी थी ट्राई वा दे देंगे तो उससे पहले एक बार हमने सोचा डॉक्टर तो नॉर्मल चेकअप करा ले, तो हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर जाते बोले कोई फायदा नहीं हुआ दवाई देखा आज दे लो 3 दिन ती दे लो 10 दिन ती दे लो कई दिन ती दे लो ये पीरियड्स ठीक हो जाएंगे, पर जो अंदर की बीमारी ना वह ठीक नहीं होगी वह और दुनी बढ़ती जाएगी, तो इस करके हमने मम्मी का ऑपरेशन करवाना जरूरी है, पर मम्मी यह बात नहीं समझ रही कमेंट आई है ठीक हो जाएगी, हाँ आई है एक कमेंट आ रही है अगर मम्मी 3 दिन की एक दवाई आवा दवाई दो मम्मी ठीक हो जाएगी ऑपरेशन ना कराना पड़े, फिर वो दवाई दे बे कौन है बताओ हमें कि थमे लगी ना भाई मत बताओ क्योंकि देखूंगी वो दवाई ना भाई मत बताओ क्योंकि मम्मी मना कर रहे है, डॉक्टर ने कदी क्लियर कह दी चाहे 3 दिन थी दो चाहे 1 महीने थी दो ऑपरेशन तो होना ही होना आज तो 2 साल बाद होना जब ज्यादा दिक्कत हो लेगी जब करवाओगे, तो इस करके हम पहला ही मम्मी का ऑपरेशन करा, मम्मी की बात पर कोई ध्यान मत दियो दवाई ना भाई बताओ। जिसने भी पता ना कोई भी मत आई हो और कमेंट आवेगी तो मैं पढ़ूंगी मैं बतावा नहीं आपको मैं उस कमेंट ने वो कर दूंगी वो मैंने दिखा सब दिख ना तो दवाई दवाई पहले ना भाई मत बताइयो क्योंकि मम्मी का दिक्कत हो रही है ज्यादा भी उसका है मैं दवाई लेऊंगी मैं ना करूंगा ऑपरेशन कती भी ना भाई मत आई मम्मी का दिक्कत ज्यादा हो रही है कोई यू राजी को नहीं है बिना दिक्कत में कटवा में कि मैंने कहा मैं दिक्कत हो रही है जब हम ऑपरेशन करवाओ ना तो हमने के शौक है बिना बात ऑपरेशन ना भाई मत बताइए, तो भाई ये बात थी मम्मी का हो रही है प्रॉब्लम, डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया कि 90% चांस है ठीक है 10% चांस है अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो कैंसर हो सकती है, तो इसलिए मम्मी का जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाने की हम सोच रहे हैं, लेकिन मम्मी कह रही है कि अभी मेरे को देसी दवाई चाहिए तो उसकी हम नहीं देंगे क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया बोले कि अब दे दो 2 साल बाद फिर करवाना है तो जल्दी करवा करूँगा फ्री हो दिक्कत भी ना होगी आगे ज़्यादा दिक्कत बढ़ेगी भाई, तो इस करके फटाफट एक बार मैं अपना काम वाम निपटा दूँ सारा जल्दी जल्दी देना काम कर दूँ और फ्री हो जाऊँ, क्योंकि आज भी हमारा होने वाला इंटरव्यू, अगर जिस जिसके भी कोई भी क्वेश्चन है तो वो सभी एक बार कमेंट करके बता दो कि भैया आपके क्या क्या क्वेश्चन है, फिर आपको कल व्लॉग मिल जाएगा सबके क्वेश्चनों का सबको आंसर मिल जाएगा कि आप सबके क्या क्वेश्चन है क्या नहीं आप क्या जानना चाहते हो क्या नहीं जानना चाहते, तो जिस जिसके क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी से जाओ कमेंट करो और बताओ कि क्या क्या क्वेश्चन है आपको क्या क्या जानना है हमारी फैमिली के बारे में, बाय बाय।